प्रदेश भर में 3 अक्टूबर 2016 से आरंभ होने वाली हरियाणा मुक्त विद्यालय अक्टूबर 2016 की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 91 परीक्षाएं केंद्रों पर 74 प्रभावी उड़न दस्तों की कड़ी निगरानी में संचालित की जाएगी। नकल रहित परीक्षाओं पर संचालन बोर्ड की प्राथमिकता होगी तथा इसके लिए व्यापक व कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बोर्ड मुख्यालय पर बताया कि इन परीक्षाओं में कुल 85,149 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने आगे बताया कि सेकेंडरी की परीक्षा 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तथा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 3 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होगी। अभियान मनाया जाएगा, पूरा बोर्ड प्रशासन उपस्थित रहेगा 9 से 11 बजे तक और बोर्ड कैंपस की सब हम मिलकर के श्रमदान करेंगे। इसके लिए 16 टीमें बनाई गई हैं, लगभग प्रत्येक टीम में 25 से 30 बोर्ड कर्मचारी अधिकारी रहेंगे। वो अपना अपना क्षेत्र बांटा गया, 16 हिस्सों में बोर्ड को सब करेंगे और श्री राधा कृष्ण स्कूल के कुछ विद्यार्थी और स्टाफ भी भाग लेगा, वो अपने स्कूल पर के एरिया को साफ करेंगे और 910 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और लगभग हमने कोशिश करके जो पहले से सेंटर बनते रहे हैं उन स्थानों को बदल दिया है, नए सेंटर बनाए गए हैं। भिवानी में भी सब स्कूलों को बदल दिया है। सर, किस उद्देश्य से बदला? ये रोकने के लिए, नकल बोर्ड का उद्देश्य है नकल रहित अकल से परीक्षा और बढ़ेगा हरियाणा इस उद्देश्य को मानते हुए स्वस्थता लाने के लिए सेंटर बदले गए। सर, कितने स्टूडेंट एग्जाम देंगे इस बार? 85,149 विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देंगे। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इसे नकल रोकने के लिए? विभिन्न तरह के उड़न दस्ते बनाए गए हैं, 74 क्या क्या प्लान बनाया सर इसमें? और लगभग कोशिश ये कि हर सेंटरों पर ऑब्जर्वर लगाए जाएं ताकि ऑब्जर्वर भी जिम्मेवार होती कोई इस तरह की बात होती है तो इनसाइड डिस्टर्बेंस की कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है। आउटसाइड डिस्टर्बेंस की बहुत सारी शिकायतें थी, उनको पुलिस प्रशासन से ऐसे दूर किया गया। सर, आउटसाइड डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए क्या अलग अलग जिला उपायुक्त किस प्रकार के आदेश दिए गए हैं? पत्र लिखा गया डीजी साहब को, पत्र मैंने खुद लिखा है। हर जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को, एसपी को पत्र लिखा गया है और डीजी साहब को मैंने खुद पत्र लिखा है।